What's up everyone, welcome back to the channel. Guys, this is day 11 of our 100 days commerce masterclass. और आज की इस क्लास में हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हम आज शुरू करेंगे और कल की क्लास में चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है. कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो और फिर काम शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. तो सर चैप्टर का नाम क्या है? देखो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब चैप्टर नंबर 1 में आपने सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को यूज़ करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट का नेचर क्या है. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स. सर प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो प्रिंसिपल्स का मतलब गाइडलाइंस होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को अच्छे से चलाने में. अब देखो बिजनेस हम तो पहली बार कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया है. तो उनकी कुछ तो लर्निंग्स होंगी, उनकी कुछ ना कुछ तो बातें होंगी जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी होंगी या जो वो हेल्प कर सकते हैं हमें कि अगर हम भी उन चीज़ों को यूज़ करें तो हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है. तो उन्हीं लर्निंग्स के ऊपर, उन्हीं फाइंडिंग्स के ऊपर इस चैप्टर में दो लोगों की थ्योरीज दी गई हैं. वन इज हेनरी फेयोल, जिनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एंड अदर इज FW टेलर. FW टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. दोनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं. फेयोल बात करते हैं टॉप लेवल के बारे में, टेलर बात करते हैं लोअर लेवल के बारे में. तो दोनों की ही गाइडलाइंस, दोनों की थ्योरीज, दोनों की लर्निंग्स हम इसके अंदर सीखेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. सही है? चलो जी, सबसे पहले आता है बेटा कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है. देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें दिखाता है फंडामेंटल ट्रुथ. फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब जो ओवरऑल ट्रू है. फंडामेंटल ट्रुथ किस चीज के बारे में? अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कॉज का मतलब ये करोगे, इफेक्ट का मतलब इससे ये होगा. तो क्या करने से क्या होगा, रूल्स बनाने से गोल्स कैसे अचीव होंगे, ये डिसिप्लिन है. देखो एक प्रिंसिपल है ना कि डिसिप्लिन से काम करेंगे. अब जैसे हमारा 100 डेज सीरीज है तो 100 डेज का मतलब 100 डेज में पूरा करना है. तो डिसिप्लिन से करेंगे तो फिर बढ़िया नंबर आएंगे. तो कॉज एंड इफेक्ट, राइट. उसके बाद आता है बच्चों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है. बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है काफी डिटेल्ड, और जनरल गाइडलाइंस हैं ये भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और बिहेवियर में हेल्प करती हैं मैनेजर्स को कि मैनेजर्स को कहाँ पे कैसा डिसीजन मेकिंग करना है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है. तो मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर ये सारी चीजें बताई गई हैं. ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में. साइंस के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और मैनेजमेंट के अंदर भी. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं सर? क्योंकि ह्यूमन बींग्स की स्टडी है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स, और इंसान डेली चेंज हो रहा है, हमारे आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट डेली चेंज हो रहा है. तो ये बिल्कुल रिजिड तो नहीं हो सकती, इनको तो बदलना पड़ेगा. साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड हैं. रिजिड का मतलब सेम रहते हैं, सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं, वैसे ही चलते रहेंगे. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं. क्रिएटिविटी का मतलब आप अपने हिसाब से क्रिएटिव हो सकते हो. साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट मैनर में जैसे मिल गए, अब न्यूटन ने लॉ दे दिए तो ले दिए, वो एज इट इज चलेंगे. ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है एनवायरनमेंट के साथ. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स समय के साथ चेंज नहीं होते. लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर है तो है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन अगर है तो है, लॉ ऑफ इनर्शिया अगर है तो है, सेम रहेगा. ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. जैसे मैनेजमेंट के थे वैसे ही प्रिंसिपल्स के भी कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहला नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है ये जितने भी प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल, हर जगह अप्लाई होंगे. हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़रूर डिफर करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बट चलेगा सब जगह. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर परवेसिव. ठीक है, द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है बेटा, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे के सारे जनरल गाइडलाइंस हैं, किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन ये नहीं है। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। यानी हम जितनी भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे ये सब हमें बस हेल्प कर सकती हैं सिचुएशन को समझने में, ये सब हमें हेल्प कर सकती है रिएक्शन देने में अलग अलग प्रॉब्लम्स को, और अपने हिसाब से थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बने कैसे हैं ये जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये डेवलप कैसे हुए हैं विद टाइम? ये डेवलप हुए हैं प्रैक्टिस के साथ, ये डेवलप हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ, धीरे 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 ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स देखा गया, समझा गया। फियॉल टेलर ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस लगाई। सर फियॉल टेलर कौन है? जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, अभी आगे उनके बारे में पढ़ने वाले हो, उन सबकी अपनी नॉलेज, उन सबका अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमंस को अच्छे से देखना समझना, फिर ये बनाए गए हैं। तो लिखा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, नंबर 4 इज फ्लेक्सिबल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रिजिड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, रिजिड स्टेटमेंट्स नहीं है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनमें बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप एज इट इज इनको अप्लाई नहीं करो, अपने अपने हिसाब से थोड़ी क्रिएटिविटी लगा के इनको अप्लाई करो। उसके बाद आते हैं बेटा मेनली बिहेवियरल का मतलब होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हमें बताएंगे वो एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज, किस तरीके से मैनेजमेंट अच्छा बिहेव कर सकता है। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स। जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इन सबके पीछे एक ही मोटिव है कि हम इम्प्रूव कर पाएं किस चीज़ को, अच्छे बिहेवियर को, किस किस के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का आपस में अच्छा रिलेशनशिप्स हो, जितने भी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है सब एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करें। तो ये ऐसे हमें हेल्प करते हैं, तो ये मेनली बिहेवियरल इन नेचर है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये क्या बताते हैं? इफ़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड वट माइट बी द इफेक्ट, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। जैसे एक प्रिंसिपल आता है बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि आपका मैनेजर चाहे कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता भाई, इंसान ही तो है, थक जाएगा। तो ये बोला जाता है कि हमें काम बांट देना चाहिए, काम बांट देंगे तो कोई भी ओवरबर्डन नहीं होगा, सब अच्छे से होगा। तो देखो कॉज क्या है, काम बांट देंगे, इफेक्ट क्या है, इससे क्या होगा, है ना। तो ये सब के सारे कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। देन कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बच्चों डिपेंडेंट होना। कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट होना। अब देखो आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे सारे प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं। सपोज डिवीजन ऑफ वर्क ही है, काम ही बांटना है, तो अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ काम ज़्यादा बांटना पड़ेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा थोड़ा बांट के भी चलेगा। तो किस तरीके से अप्लाई होगा प्रिंसिपल, क्या ये प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आने वाले समय पे डिपेंड करता है? तो ये सब कॉन्टिंजेंट है बच्चों। कॉन्टिंजेंट का मतलब डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स जो आसपास चल रही हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आ रहा है व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्यों जरूरी है, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके क्या हो जाएगा, या ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं, नंबर 1, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, देखो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सब मैनेजर्स के लिए हैं। मैनेजर्स को किस में हेल्प करते हैं, ये मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इनसाइट्स। किस चीज के यूजफुल इनसाइट्स? रियलिटी के। जैसे एक प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉप्स, कौन सा प्रिंसिपल है? एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है बच्चों टीम स्पिरिट। तो ये प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गोल अचीव हो तो ऐसा नहीं बोलो कि बस मैंने कर लिया, कोई भी इंडिविजुअली उसका क्रेडिट ना ले, हमें क्या बोलना है, आई नहीं वी, हम सबने मिलके किया। तो अगर हम सबने मिलके किया
तो सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा प्रिंसिपल दिया गया है कि हमेशा देयर शुड बी टीम स्पिरिट, कभी भी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए एज अ टीम। अगर हम जीते तो पूरी टीम जीती, अगर हम हारे तो पूरी टीम हारी, है ना, कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं क्या प्रोवाइड करने में, यूजफुल इंसाइट्स कि देखो ऐसे करोगे तो बढ़िया रहेगा। रियलिटी के अंदर क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, दीज प्रिंसिपल्स, इससे नॉलेज बढ़ेगी मैनेजर्स की, एबिलिटी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अलग अलग सिचुएशंस की, अलग अलग प्रॉब्लम्स की, और बेटर वे में डील कर पाएंगे। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं यानी मशीनें वगैरह हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जितने भी इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए। अब देखो जैसे यही टीम स्पिरिट है, तो टीम स्पिरिट भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको समझा रहा है कि किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा होगा तो क्या रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, खुश रहेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स खुश रहेगा तो अपने आप गोल्स अचीव होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ चलती हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें पहले से प्लान्ड करने के बारे में समझाते हैं, सिस्टमैटिक वे में काम करने के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ लेके चला जा सके और कोई भी वेस्टेज ऐसे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, साइंटिफिक डिसीजंस। इसका मतलब क्या है, देखो प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप हुए हैं, प्रिंसिपल्स बहुत सोच समझ के, एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुए हैं। तो जितने प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनकी हेल्प से उन प्रिंसिपल्स को कंसिडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी साइंटिफिक होती है, आप काफ़ी बेटर डिसीजंस ले पाते हो एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, एज कम्पेयर टू आसपास की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो देखो लिखा हुआ है, मैनेजर्स हैव टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे, प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली। आप ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि कैसे आप सिस्टमैटिकली चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है, देखो एनवायरमेंट हर रोज बदल रहा है। पहले कहाँ ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, पहले ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ होती थी। अभी पिछले 4-5 साल में ऑनलाइन एजुकेशन एकदम बूम पे आ गई, एकदम ऊपर चली गई, तो समय के साथ बदलना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो हम समय के साथ चेंज कर सकते हैं, राइट। समय के साथ चेंज होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, चेंज नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन एन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन रिजिड डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे आप चेंजेस लेके आओ सही डायरेक्शन में, आई एम सो सॉरी मैंने पहले रिजिड पढ़ लिया था, सही डायरेक्शन में और सही लेवल पे, कि कौन से लेवल पे, टॉप पे, मिडल पे, लोअर पे, कैसे लेके आने हैं चेंजेस, कब लेके आने हैं और इन चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम प्रॉपरली करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि हम एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये आसान है कि टॉप लेवल बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, गोल्स अचीव होते हैं, टारगेट्स अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो देखो लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको एज गाइडलाइंस हेल्प करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बनाने में, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल पाए। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने को बोला गया है। अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कल, तो आपको देखेगा कि हाँ इसके अंदर तो ये भी कहा गया है कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना कितना इंपॉर्टेंट है, फेयर वेजेस देना एम्प्लॉयज़ को, उनके साथ सोसाइटी में आसपास किसी भी इंसान से डिस्क्रिमिनेशन ना करना। तो क्या हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल कर रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैनेजर्स को हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना समझाते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, हर तरीके से मैनेजर्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही मदद करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक हो गया। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स,
जितने भी मैनेजमेंट, देखो इसको हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। देखो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं मुझे बताओ। हमने अभी पीछे पढ़ा कैसे डेवलप हुए, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, चीज़ें देखी गई, समझी गई, करी गई। तो जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इन सब पे आज भी स्टडी हो रही है, इन सब पे आज भी रिसर्च हो रही है, और इनके अंदर जितनी जितनी चीज़ें एडिशंस होनी चाहिए वो सब हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज अभी भी चल रही हैं, डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है, तरीका रोज बदल रहा है। अभी आज इंडिया में जितना ऑनलाइन बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट को भी डेवलप होना पड़ता है। पहले फिजिकल मार्केटिंग चलती थी, अब डिजिटल मार्केटिंग चलती है। पहले लोग बॉलीवुड की तरफ जाते थे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कराने के लिए, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनसे बराबर में खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, कितना ज़्यादा डिजिटल जब होता है देश तो कितना सारा सब कुछ बदल जाता है। तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सभी एक बेस है, बट इन पे अभी भी कॉन्टिन्यूस स्टडी चल रही है, और वो स्टडी के बेसिस पे ही ट्रेनिंग होती है अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैनेजर्स की। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बोलते हैं भैया साइंटिफिक जजमेंट होना चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दीज एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग द रिसर्च। अब बेस बनाओ इन प्रिंसिपल्स को, फर्दर रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो मैनेजमेंट स्टडीज में। जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ें आगे बढ़ते चलो। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, चाहे वो BBA हो चाहे वो MBA हो, ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल्स एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यही बेस है, इसी से ही फर्दर मैनेजमेंट सीखा जाएगा, इसी से ही फर्दर मैनेजमेंट के बारे में बात होगी, समझे। तो ये है बच्चों हमारे पास सारे के सारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ से अब हमारे पास फेयॉल के प्रिंसिपल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपको क्या करना है बच्चों, आज आपको एक बार बहुत शानदार तरीके से प्रिंसिपल्स का मतलब, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में डिफरेंस, प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस एक बार इनको गो थ्रू कर लो। आपके पास जो भी बुक है NCERT है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नोट्स तो आपको मैंने दे दिए, रीडिंग लगा लो, चेक कर लो कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अच्छे तरीके से एक एक चीज़ जब आप रीड करते हो तो परफेक्शन के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, इनको गो थ्रू कर लो। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कल हम फेयॉल के, टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा बच्चों। ऑलराइट, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको कल, कल हम चैप्टर को समाप्त करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।